नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आप उसको जीरो लागत इन्वेस्ट करके दोस्तों आप उससे हजारों रुपए की कमाई रोजाना कर सकते हैं। दोस्तों अगर गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस में से यह एक बिजनेस अभी हो रहा है। दोस्तों इसका जो डिमांड है ना, वो आप सोच नहीं सकते हैं कि गर्मी के समय में सबसे ज्यादा डिमांड उस चीज का है। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि दोस्तों वो बहुत बड़ा मतलब उद्योग लगाने वाली बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये खेती गृहस्थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने एक तरीके से समझ करके चलिए कि घर बैठे उससे आप कमाई कर सकते हैं और अच्छा खासा क्या ज्यादा कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों एक एक मुट्ठा वो ऐसा चीज है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे दिखाई दिया है कि एक एक मुट्ठा दोस्तों 20-20, 50-50 रुपए का बेचकर आप दोस्तों एक तरीके से हजारों रुपए कमाई कर सकते हैं अगर रोजाना की बात की जाए तो। दोस्तों एक आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी बन सकते हैं अगर उसका खेती करते हैं तो। दोस्तों उसका डिमांड की बात की जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में उसका डिमांड अभी के समय गांव में उसका डिमांड है। दोस्तों बेशक आप समझ करके चलिए कि ये खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस है, लेकिन दोस्तों ये एक एक पत्ते मतलब एक एक उसका पेड़ पत्ते का कीमत दोस्तों आप उससे बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा चीज है, इस बिजनेस को अगर कहा जाए तो एक तरीके से यह जो बिजनेस है ये तो एक तरीके से समझ करके चलिए कि आप अगर इसका बिजनेस करते हैं, इसका खेती करके इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो मटेरियल है, जो आपका फसल है दोस्तों, वो खेत से ही उठ जाएगा, अन्यथा दोस्तों आप इसको बाजार में ले जा करके भी बेच सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई डाउट करने वाली दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है कि एक बार इसको अगर आप मतलब अपने खेत में लगा देते हैं तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ज्यादा पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही खेत में पसर जाता है, मतलब जितना जगह होता है वहां दूरी तक पसर जाता है और ये आसानी से ये तैयार हो जाता है। दोस्तों तो ये कौन सा बिजनेस है, इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, ये क्या चीज है, तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरे बारीकी से आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस या खेती के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको पुदीना का खेती का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों पुदीना, जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको एक तरीके से बता सकता हूं कि उसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप मात्र कहीं से भी अगर दो पौधे भी अगर ले जाकर के अगर लगा देते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे जिस तरीके से समय और प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, मानसून परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, वो एक तरीके से थोड़े दिन इंतजार करने के बाद दोस्तों वो अपने आप ही वो पसरने लगता है और उसकी का मतलब जो फर होता है वो उसी में गिर जाता है और जिसके कारण उसकी जो है एक तरीके से लंबी श्रृंखला और एक तरीके से कहा जाए तो वो जिस तरीके से घास हो जाता है ठीक उसी तरीके से वो घास आपके खेत में तैयार हो जाता है, जिसको पुदीना कहा जाता है। दोस्तों इसका डिमांड आपको बता दें कि इसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है, चाहे गांव हो या शहर। दोस्तों एक तरीके से अगर गांव में इसका अगर आप चाहते हैं इसका व्यापार करना तो ये बहुत आसान तरीका है। आपको सिर्फ उसका एक पौधा या दो पौधा आपको एक तरीके से इंतजाम करना होता है, जो कि आपको गांव में लोग ऐसे ही लगाए हुए होते हैं, उसमें मतलब कोई खेती नहीं करते, थोड़ा थोड़ा लोग लगाए हुए होते हैं क्योंकि उसका सुगंध अच्छा लगता है, इस कारण से लोग उसको लगाते हैं। तो एक तरीके से आप उसको ले मतलब ले आ करके जहां पे ये मतलब आपको मिलता है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप जो नर्सरी है वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं नेचुरली बात कहता हूं कि गांव में आपको कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के घर पे आपको जरूर ही मिल जाएगा या खेत में जरूर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां से बीज आप पौधा ले आ करके लगाकर दोस्तों बहुत ही आसानी से अगर आप उसका व्यापार करना चाहते हैं तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उसको खेत में ऐसे जगह लगा देते हैं जहां पर वो धीरे धीरे जगह हो पसरने लगे। दोस्तों जैसे जैसे वो पसरने लगता है एक तरीके से अपने आप ही आप चाहें तो वह बहुत ज्यादा हो सकता है खेत में। जैसे मान करके चलिए आपने दो पौधा लेकर के लगाया, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जब उसका बीज हुआ वो बीज गिरा, और दोस्तों आपको पता ही है जब फर धरेगा तो एक दो बीज तो गिरेगा नहीं, जितना फर में बीज होता है उतना वो गिरेगा मिट्टी में। तो दोस्तों मिल के फिर से वो पेड़ तैयार हुआ, वही चीज फिर से मतलब वही क्रिया धीरे धीरे करते करते वो पसरने लगता है। और दोस्तों इसका डिमांड की बात करें तो सिर्फ आप उसको ऊपर से काटना है, आपको मतलब जड़ से उखाड़ना भी नहीं है,
आपको अगर व्यापार करना है तो आपको ऊपर से काट देना है, जो कि एक तरीके से पत्ता खोटना कहते हैं हमारे गांव में, तो उसको खोट देना है एक तरीके से, या हंसुआ या किसी मतलब हथियार के जरिए उसको काट देना है, उसका जड़ मिट्टी में ही रहना चाहिए। दोस्तों बात यह आती है कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये मतलब खत्म होने वाला चीज नहीं, ये कटेगा फिर वो तैयार होगा, धीरे धीरे तैयार होगा। दोस्तों इससे ये चीज है, इसका मार्केट में काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है। एक तरीके से मान कर चलिए गन्ने का रस में सबसे ज्यादा इसका डिमांड होता है, गन्ने के रस में, या एक तरीके से जो मान लीजिए दुकानदार भाई लोग हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपका सेल तो मतलब एक तरीके से खेत से ही बैठे बैठे ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट करने वाली भी बात नहीं है। दोस्तों ये ऐसा चीज है कि बहुत कम लोग इसका खेती करते हैं, लेकिन दोस्तों आप चाहे तो अगर अपने गांव में इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार खेती के जरिए। और दोस्तों अगर शहरों की बात करें तो शहरों में तो ये आपको ये एक एक मुट्ठा जो होता है वो 50-50 रुपए का खरीदना पड़ता है। दोस्तों गांव में अगर इसका कम रेट भी मिलता है तो भी दोस्तों बहुत कीमत में आप अच्छा कीमत में बेच रहे हैं। अगर किलो के बात की जाए तो दोस्तों ये आपको कई 100 रुपए किलो मिलेगा। और दोस्तों इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जितना ज्यादा लोग व्यापार करेंगे, गन्ने के रस का व्यापार या मिठाई पकौड़ी समोसा ये सब जितने भी दुकान लोग करेंगे वो आपसे ही चटनी बनाने के चटनी में डालने के लिए लोग खरीद करके ही लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैं आपको आइडिया बताया ये घर बैठे कमाई करने का, इसमें बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास एक कट्ठा भी जमीन है तो भी दोस्तों आप इससे हजारों की कमाई रोजाना कर सकते हैं। तैयार होने के बाद आपने एक मुट्ठा 20 से लेकर 30, 40, 50, 60 जितने में बेचे दोस्तों, अगर आप ही उसका अगर खेती किए हैं तो दोस्तों ग्राहक कहीं नहीं जा पाएगा, सामान आप ही से लेकर के जाएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा कि आपके यहाँ इसका खेती कोई किया तो नहीं है, अगर खेती किया है तो आप देख लीजिएगा डिमांड कितना है, आप बिक करके कमा सकते हैं या नहीं। अन्यथा दोस्तों अगर खेती कोई व्यक्ति अगर नहीं किया है तो आप इसका खेती एक बार करके देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप कमाई कर सकते हैं। इसका डिमांड गर्मी के टाइम में तो सबसे ज्यादा गन्ना के रस में लोग इसको खरीद करके ले जाते हैं जो इसका व्यापार करते हैं गन्ने के रस का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया होगा और समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अगर आपके एरिया में जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके का अगर कंडीशन है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा मात्रा में इसका डिमांड है। और इस खेती के बिजनेस को करने के लिए ना ही किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ना ही किसी बहुत बड़े तामझाम की, आपको सीधा सीधा खरीद करके, माफ कीजिएगा, आपको सीधा सीधा पौधा का इंतजाम करना है, एक दो पौधा लगा करके धीरे धीरे वो तैयार होएगा, समय लगता है, धीरे धीरे पसर जाएगा। दोस्तों कट्ठा भर भी अगर आप इसका खेती कर देते हैं तो दोस्तों आपको बस काटना ही काटना है, वो अपने आप तैयार होते रहेगा। दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा खाद और बीज की आवश्यकता नहीं होती, ये केवल सिंचाई की आवश्यकता होती है, थोड़ा बहुत सिंचाई कर दिया जाएगा तो वहां पे तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी आप कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।